ಕೈಗೆ ಸಹೀರುಲ ಸೈಶಾ ಸಾಹಬ್ ನಾಮ ಬರ್ಕಾತ ಮಾಡಿ ಲಬೈ ಯಾ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಲಬೈ 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 ಯಾ ರಸೂಲ್ नायब गाजी आला नाजिम आलिया और सुभाष सिंह के नाज आला सूफी मोहम्मद या साहेब और अमीर कराची रजी हुसैनी साहेब जिला गर्दी के अमीर सैयद काशिफ हुसैन शाह साहेब पहली कल पैक असला की तरफ से पार्लियामेंट मेंबर मुफ्ती साहेब और सबरू साहेब दिग्गर कारकुनों ने तहरीक लपै के असला का सिंध के अंदरून में दौरे के बाद यहाँ कराची में मानते हैं अंदरून सिंध में नाज़िम आला मोहम्मद याजा साहब ने तहरीक लपै के असला से जो मोहब्बत का इजहार किया है उनका पूरे सिंध में काम नज़र आ रहा है। मैं उन्हें इस खूबसूरत कारकर्दगी पर विराज तहसीन पेश करता हूँ और यहाँ कराची में अमीर कराची की मेहनतों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें विराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमला कारकुनान को जुमला अहदेदारान को मजीद हौसले हिम्मतें और जुड़ते अदा फरमाए। मुल्क पाकिस्तान में सियासी जमातें हर दौर में काम करती रही हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान भी मैदान अमल में दर्शन पैकार है। सिर्फ एक बात वोट के हवाले से, अगर कोई शख्स पीटीआई को वोट दे रहा हो तो मोहर लगाते हुए पीटीआई का चेयरमैन उसे देख नहीं रहा होता कि ये वोट कहाँ मोहर कहाँ लगा रहा है। अगर नून लीग को कोई वोट दे रहा हो तो फिर नून लीग का सदर उसे देख नहीं रहा होता कि ये मोहर कहाँ लगा रहा है। पीपल पार्टी का शख्स अगर तीर पर मोहर लगा रहा हो तो वो उसे देख नहीं रहे होते कि ये वोट किसको दे रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आप ट्रेन पर मोहर लगा रहे हैं तो मदीने का ताजदार देख रहा है कि और ये बार बार खत्म नबूवत के हमले बार बार दिन के साथ गद्दारी आखिर उसका माना क्या है और फिर यह कहना कि गलती हो गई है। अगर कि ये मेरे मनसब के अतबार से बात मुनासिब ना होगी लेकिन मैं कर देता हूँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि वजीर साहब ये कहें कि अब सूर्य शुरू होने वाला है, ओहो ये तो मैं तो घर में अपनी बीवी समझी थी, ये तो अम्मा जी आप हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी गलती नहीं लगी कि मैंने समझा था कि मेरी बीवी है और ये तो मेरी बेटी है, अब तो सुबह हो गई रात गुजर गई। भाई तुम्हें अपनी बीवी को पहचानने में गलती नहीं लगती,
और जब भी खत्मे नबूवत का मसला आता है तो तुम्हारे साथ तुमसे गलती होती है। इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि तुम्हारा मदीने के दावेदार के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुमने लिबादा ओढ़ रखा है कलमा पढ़ के, हमें बताते हो कि हम मुसलमान हैं, हालांकि दीन के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं। और तहरीक लद्दाख को तुम्हें दीनदार बनाना आता है और गलतकारों को इस मुल्क से बाहर निकाल के फेंकना भी आता है। और हम दीन के साथ ऐसी गद्दारी नहीं होने देंगे और बार बार खत्मे नबूवत पर हमले नहीं होने देंगे। हम अपनी जानें तो कुर्बान कर सकते हैं लेकिन दीन के साथ वफादारी का पैगाम देंगे। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन। देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन। देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। आखिरी इमाम अली का काम इमाम हुसैन का और यजीद का झगड़ा क्या था? यजीद भी कलमा पढ़ता था और इमाम अहमद बिन हंबल के अलावा किसी ने यजीद को काफिर नहीं लिखा। हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। यजीद भी निजामे मुस्तफा में तब्दीलियां करता था और ये भी निजामे मुस्तफा में तब्दीलियों करने के, तरामीम करने के मास्टर हैं। यजीद ने निजामे मुस्तफा के साथ ज्यादती की और इस्लामी निज़ाम में अपनी दौरे हुकूमत में बहन भाइयों की शादी को जायज़ करार दिया। इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करके कभी बेटियों की दौड़ लगवाई, कभी बेटियां गैरों के सामने प्लेट में रख के पेश कर दी। आखिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कसूर क्या है, क्या जुर्म है? और मैं ये रात से ये सोच रहा हूँ कि बंदे के गैरतमंद के लिए एक बात ही मरने के लिए काफी है। और मुल्क पाकिस्तान में अगर मेरी आवाज पूरे मुल्क में जा रही है मोबाइल के जरिए, तो मैं पूरे मुल्क में बसने वाले पीराने इंसान, उलमाए किराम, सियासतदानों से कहना चाहता हूँ और अस्काने रसूल से कहना चाहता हूँ, हर कलमा पढ़ने वाले से कहना चाहता हूँ कि जब बेटियां गैरों के सामने बेच दी जाए, गैरों के हाथ में बेटियां प्लेट में रखकर दे दी जाए, तो फिर कौम को जीने का हक क्या रहता है? इससे तो मर जाना बेहतर है। और इंशाल्लाह कहीं के लद्दाख की रसूलल्लाह अपने कायद की क्यादत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मुल्क पाकिस्तान में वापस लाने के लिए पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के उसे मजबूर करेगी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मुल्क पाकिस्तान में वापस लाना चाहिए। और जहां तक इंतखाबात का ताल्लुक है, ये कहना कि ये मौलवियों की जमात है, ये तो मुख्तसर से लोग हैं। जो लोग तहसील जस्टिस ये बकवास करते थे वो आज कहां है, वो आज कहां है? और इंशाल्लाह तहरीक लद्दाख की अरसुल्ला के खिलाफ हर बकवास करने वाले से अल्लाह एक एक करके बदला लेगा और ले रहा है। और जहां तक अकाय का ताल्लुक है, आम मैदान लगाए और पद्यंती ना करें, तो फिर आज नहीं कल नहीं आज देख लें, सूरज तुलू होने से पहले 11 तारीख के साथ इलेक्शन करवाए जाए तो इंशाल्लाह सारे वोट तहरीक लद्दाख की अब्दुल्ला के लिए। अगर भक्तियांती से काम ना लिया जाए, और चूंकि मगरब के जहां एजेंट रहते हैं वो समझते हैं कि हमने किसी दीनी जमात को आगे आने नहीं देना, इसलिए कि दीन गालिब आ गया, उन्हें खतरा यह है कि अगर दीन पीछे रहे तो हम जिंदा रहते हैं और अगर दीन गालिब आ जाए तो फिर हम नहीं रहते। असल मसला यह है। और इंशाल्लाह जब ये कड़ियां, ये जेलें, ये थाने, ये हवालाते
ये मुकदमे जब तहरीक पैक के अब्दुल्ला के कारकुनान का और आशकान रसूल का रास्ता नहीं रोक सकते तो ये सियासतदान भी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकते। और इनकी ये बदतियां, इनकी ये मुल्क कौन के साथ ज्यादतियां, ये तहरीक का कभी रास्ता नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आशकान रसूल को कामयाबियों का अमरान शाम किनार फरमाएगा। और एक दिन वक्त आएगा कि दीन इस्लाम हुजूर का दीन तख्त पर होगा और अल्लाह आशकान रसूल की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएगा। हमारी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, एक तरफा नहीं, दो तरफा नहीं। मेरे साथ तो खैर तहरीक लंबैत भी नहीं शुरू हुई थी, उस वक्त से हुकूमत पाकिस्तान का जुल्म जारी है। और ये मुझे अच्छी तरह नहीं याद के 10 मरतबा या 12 मरतबा या 15 मरतबा जेल जा चुका हूँ और कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो शख्स जो खुद चल नहीं सकता, व्हील चेयर पर बैठता है, उसको जेलों में बंद करके बिठाना, ये कहाँ का कानून है? और इस बात की समझ नहीं आती कि बार बार जलसे रोकना, बार बार खिताबात रोकना, आखिर इसका मकसद क्या है? भाई व्हील चेयर के साथ कोई बम नहीं बने हुए कि जहां अमीर मुजाहिदीन जाएंगे वो बम चल जाएंगे, मुल्क की सरकार तबाह हो जाएगी, इदारे तबाह हो जाएंगे, ऐसा तो मसला ही नहीं। असल में आलम कुफर यह चाहता है कि वो सोच जो मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने दी थी, वो सोच और वो फिक्र जो सियाबा ने मैदान हाल में दी थी, वो सोच और फिक्र जो बद्र हनैन में नबी अलैहिस्सलाम ने दी थी, वो आला सोच कौम तक ना पहुंचे। हालांकि इनके मजमूम नजरियात तहरीक लबैक रसूलुल्लाह को अपने नजरियात कौम में पहुंचाने से कभी नहीं रोक सकते। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आशकान रसूल नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का परचम बुलंद करते हुए, हुसैनियत के पैगाम को और परचम को बुलंद करते हुए इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। जब भी कभी दीन पर मुश्किल वक्त आया है, नामूस इंसान का मसला हो, खत्मे नबूवत का मसला हो, पहले भी तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह अपने कायद की क़यादत में हुज़ूर के दिन के लिए कुर्बानियाँ दे चुकी है। और इंशाअल्लाह जब भी मुश्किल वक्त आएगा दीन पर, नामूस इंसान का मसला होगा, खत्मे नबूवत का मसला होगा, इंशाअल्लाह जब तक सांस बाकी है तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह अपने कायद की क़यादत में नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। अल्लाह तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह कामयाबियों का उन्होंने शाम किनार फरमाए और कराची वालों के हौसलों में मजीद भरती अता फरमाए, हिम्मतों में मजीद भरती अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, लबैक मरकजी क़यादत ने अपने पैगाम आप तक पहुँचा दिए और वज़ीर-ए-तालीम सईद फनी साहब से कहना चाहता हूँ, इस पर गौर व फिक्र कीजिएगा।